एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन तो वो हसन इलाही साहब के पास वो है, उनके पास यगड की एग्जीबिशन, सिल्वर क्ले यगड की है, और उसकी प्रॉपर मतलब एग्जीबिशन, उसका साइज बता रहा है कि मतलब वो लब्बट के साइज का एक जावा का पीस है, वो अलग से बताता, वो है एग्जीबिशन भाई, एग्जीबिशन है, ऐसे नहीं कि जरा सा साइज बढ़ोगे ऐसे तो फिर उनके सारे फोन एग्जीबिशन है। क्या नाम है गुल भाई के, वो एग्जीबिशन है, वो स्ट्रॉन्ग और अच्छे मतलब बेस्ट क्वालिटी के फोन जावा है, वो आप उनको अंडर साइज कह सकते हैं, मतलब के मतलब जो जावा के असल जो होने चाहिए ना साइज, वो होने चाहिए। हमारे पास तो ये है कि थोड़े से हल्के हो गए, ये हो गए, चूहा हाँ साइज हो तो वो देखते नहीं है, लेकिन ये है कि भाई सबसे पहले को क्वालिटी मेंटेन। अब लाहौर के लोगों में ये है कि लाहौर के लोग बहुत सी क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं, बड़े ब्रीडर्स, ठीक है, और कराची में भी बड़े ब्रीडर्स जैसे मुमताज़ भाई हो गए और आरिफ भाई हो गए, ऐसे ही काफ़ी, और बहुत से नाम है, नाम तो मैं लूंगा तो कितने हैं भाई, बहुत लोग हैं। कराची में भी बहुत क्वालिटी पे काम हो रहा है, ये नहीं करें क्वालिटी में काम हो रहा है, लेकिन शो पे नहीं आता भाई, मुंह पर आओ, फेस पे आके बताओ कि हम, सोशल मीडिया पे पता नहीं क्यों नहीं वीडियो यार अपलोड करते, असल वो बताऊँ क्या है, वो छुपा के अपनी, हमारे अंदर ही तो आता है वो, मतलब जो ना अपनी मतलब हम ये डरते है हैं, हम डरते हैं डरने की कि बात नजर ना नहीं है, लग हाँ नजर, और एक और चीज़ जो है ना जाए। मतलब वो अपनी जो है ना कभी भी, यार सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारा बिजनेस में एक अच्छा बेनिफिट है, अंग्रेज क्यों आ गए, वो अपना हुनर बांटते हैं, कभी भी अपना हुनर छुपाओ नहीं, बांटो, ज्ञान दो, अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करो, और हमारी हॉबी में अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं, अपना शेयर करते हैं, अपना हुनर शेयर करते हैं, रहीम अली डीन साहब अपना हुनर शेयर करते हैं, जो भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आके यूट्यूब में आके बताते हैं, ये हुआ वो, मतलब ये तक बताते हैं कि तार पाँव पटक गए, देखें आपको इससे इससे बचाए, मतलब रिंग में बट्स के तार अड़ गए, इतना छोटी सी चीज़ भी वो बता रहे होते हैं, और ऐसे ही और भी है, मुमताज़ भाई अपना चैनल नहीं बनाते, वो बनाए तो मैं तो बोला हूँ पहली फुर्सत ने बनाया, और वो उनके बाद नॉलेज जो है वो आगे दे सकते हैं, अभी आरिफ भाई का तो ये इन्होंने चैनल बना लिया, वो भी बहुत आउट क्लास वो देते हैं, और आरिफ भाई से बोलूँगा, आरिफ भाई आपके तो इतने जानने वाले हैं, आपकी तो पूरी गैदरिंग है जो बर्ड्स का एक तरीके से 7 लोग बैठे होते हैं, तो आरिफ दादा साहब आप तो उनको बोले कि आप हर कोई अपना चैनल बनाए और अपना हुनर शेयर करें, ताकि लोग अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि है क्या एग्रीकल्चर, और जितना अच्छा क्वालिटी का हमारे पास बर्ड प्रोड्यूस होगा, जितना अच्छा क्वालिटी का होगा उससे उतनी हमारी मार्केट बढ़ेगी, भले आज रेट कम हुआ है लेकिन जब हमारे इंटरनेशनल में जब हमारा परिंदा शो होगा ना कि यार 80% लोगों के पास क्वालिटी बढ़े, तो फिर हमसे हमारे पास फिर ये है कि एक्सपोर्टर जो है ना वो भी चिटिंग नहीं करेंगे, लोग चिटिंग करेंगे नहीं, बोलेंगे यार क्वालिटी अच्छी आ रही है, सब कुछ अच्छा है तो फिर हम क्यों चिट करें, अब वो चिटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर ये चीज़ है कि हम क्वालिटी के ऊपर नहीं, हमने लगा दिया बर्ड लगा दिया, परिंदा लग गया, हमारे पास ब्रीड आनी चाहिए, आप क्वालिटी तो देखो, आप बताओ क्या, देखो लव बर्ड में भी पेयरिंग का तरीका है, मैंने बहुत से लोगों को देखा, उनकी वीडियोस में भी देखा, तो वो बिल्कुल एक एक बात कर रहे होते हैं कि हेड देखना होता है, अब देखें अभी 4 तारीख को इवेंट है, अब उसमें अली नासिर साहब है ना, अली अली नसीर, अली अली नसीर नसीर। साहब, उनकी मेरे को बहुत अच्छी वो क्वालिटी बट की उन्होंने अभी वीडियोज भी बनाई कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हेड चेस्ट हर चीज़ उसकी देखी आती है भाई, हुड वगैरह हर चीज़ देखी आती है, जब कॉन्टेस्ट में होता है वो जो जज होगा वो जो फैसला करेगा, वो लोग बुरा नहीं मानेगा किसी के बट में कोई नुकसान आ रहा है, नुकस नहीं है भाई आपका फायदा है, कल वो नुक्स खत्म करवाओ, और पेयरिंग कैसे करनी है सबसे मेन चीज़ है, तो पेयरिंग, अब पेयरिंग ऐसी होती है कि मैंने वो रहीम 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 भाई की वीडियो भी देख रहा था कि उन्होंने खुद इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे ताहिर शेख साहब को बुलाया हुआ क्या मेरी पेयरिंग करो, ऑफलाइन का कौन सा पेयर मैं पेलफेलो के साथ लगाऊँ कौन सा डनफेलो के साथ लगाऊँ, वो मैच करेंगे, फ्लाइंग फैदर देख रहे हैं, सारी चीज़ें हेड देख रहे हैं, उन चोज चेक कर रहे कि नहीं यार ये इसमें ये बार इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ये आप ऑफलाइन की तरफ लेके आओ, मशवरा कर रहे हैं, मतलब ऐसी ही होती है पेयरिंग, देख के पेयरिंग करें, और पेयरिंग को जितना अच्छा लेके चलेंगे आपका क्वालिटी इतनी अच्छी आएगी, क्वालिटी को एनहेंस करें, अच्छे से अच्छे बर्ड्स की तरफ लेकर आए, और ऐसी कराची में है, मैं अभी मैं आरिफ भाई के पास आप जाऊँ उनके पास भी अगर देखा है उनके पास डन फेलो नहीं है, बुलाने करने उनका आगे का प्लान एक्वा नहीं है उनके पास, लेकिन जो उनके पास है ना तो वो चीज़ भी लाखों से कम नहीं है, भले से आज उसकी कीमत थोड़ी कम हो गई हो लेकिन ये है कि उनके पास है वो लाखों से कम की नहीं है, सही बात। और ऐसे ही उन्हीं के दोस्त हैं, वही शायद शायद वही साहब की बात कर रहा था मैं, ऑफलाइन की, ऑफलाइन क्या रेट है आज, ऑफलाइन आप देख लें 3,000 2,000। 3,000 2,000 ना, उन्होंने मुझे मेरी बात जो उन्होंने कहा था मैंने 70,000 का ऑफलाइन बेचा है, ग्रीन ऑफलाइन उन्होंने बेचा है, लेकिन जब मैं तो पहले हुआ मैंने कहा यार 70,000 का, जब उन्होंने मुझे पिक्चर दिया ये ऑफलाइन भेजा है,
मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो फिर बनता भी है, ग्रीन ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइन 70,000 का बेचा होगा। अब एक बात बताए ना, मुमताज भाई के पास जो जो यूरोप ब्लड लाइन का फिशर है, कितनी कीमत होनी चाहिए उसकी? 500 रुपए का फिशर है ना मार्केट में, 1,500 का, कितनी कीमत होनी चाहिए यार? हद से 3,000 रुपये, 3,000 ना। लेकिन वो क्वालिटी आप चेक करोगे, आप उसको बोलोगे आप पैसे बताओ मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लाइव तो जाके देखें आप, फिर आपको पता चलेगा। ऐसे देखने में वीडियो में बहुत अलग चीज़ है, आप लाइव जाके देखें, आप बोलोगे यार पैसे बताएं मैं लूँगा। कितने का लिया उन्होंने यार? मैं जाऊँगा, मैं तो अभी मेरा एक्वा लेने का है मुमताज भाई से रहा था, तो मैं जब एक्वा लूंगा तो अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रीन बर्ड भी लगाऊंगा। एक्वा के साथ नहीं लगाऊंगा वैसे, एक्वा टू एक्वा लगाऊंगा, तो अपनी वर्किंग करूंगा, तो एक्वा टू एक्वा करूंगा, क्योंकि मैं एक्वा और प्रोड्यूस करके फिर वो पेल फेलो, भले मुझे टाइम ज़्यादा लग जाए मसला नहीं है, पेल फेलो की तरह और इनो की साइड इनो की तरफ लेकर आऊँगा, और डन फेलो जब मैं आगे कभी परचेस करूँगा डन फेलो की तरफ भी लेकर आऊँगा। लेकिन क्या अपने पास पहले प्रोड्यूस करूंगा, उसमें अगर उमर रोजे का आ गया तो मेरा नसीब अल्लाह का, वो तो अल्लाह के देने की चीज़ है, अल्लाह दे दे तो दे देगा। बाकी ये कि मैं अपनी चीज़ प्रोड्यूस करूँ, लेकिन उनके लिए जो मैं पेल फेलो लगाऊंगा ना, और उनके लिए जो इनो लगाऊंगा ये अब इनो की, तो उनको मैं इन्हेंस करने के लिए, मतलब उनको उनकी क्या नाम है क्वालिटी बट करना, उनको और क्वालिटी में अच्छा करने के लिए, कि डार्क फ्लाइंग फेदर हो जाए, वो डार्क हो जाए, ये हो जाए, तो उनको मैं उनसे फिशर भी परचेज करूंगा जो यूरोप ब्लड लाइन के, ताकि उनका साइज और गेन हो अपने बर्ड्स पे लगाने के लिए। क्योंकि देखें जब मैं क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ, एक्वा को मुझे जब लगाना है तो मैं जो अगला बर्ड उसके साथ लगाऊंगा वो भी क्वालिटी वाइज होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक क्वालिटी बर्ड लगा दे दूसरा क्वालिटी वाला ना हो, दोनों बर्ड क्वालिटी पे हो। सही, अब वो लगाऊंगा उनमें स्प्लिट निकलेंगे और आगे जो होगा, स्प्लिट तो ऐसे एक्वा में निकलता नहीं, एक्वा में तो ये होता है कि B1 B2, अब वो अगर पार ब्लू में लगा तो B1 B2 दोनों आएगा, अगर ब्लू बर्ड में लगा हुआ है तो उसका भाई एक पूरा एक्वा जो है रिसेसिव है, डोमिनेंट है। हाँ, मतलब वो ये होता है कि एक्वा अगर आप लगाओगे एक्वा टू पेलफेलो लगाते हो, तो उसमें जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे ना तो एक्वा ही आएंगे, वो स्प्लिट पेलफेलो होंगे, और जो पेलफेलो बच्चे आएंगे वो स्प्लिट नहीं होंगे, वो विजुअल पेलफेल होंगे। अच्छा, मतलब जो एक्वा विजुअल है वही वही स्प्लिट होगा उसका, जो उसके साथ दूसरा बर्ड लगा हुआ होगा, अब वो इनो में लगा हुआ हो या एक्वा होगा, वो प्योर एक्वा। ठीक है, वो हर डोमिनेंट में होता है? हाँ, नहीं हर डोमिनेंट में नहीं, एक्वा में ही है, एक्वा में ही है, और बल्कि नहीं हर डोमिनेंट में होता है, ब्लू और ब्लू में भी आता है, नहीं सॉरी ब्लू में नहीं, हर डोमिनेंट में नहीं, एक्वा में ही है, एक्वा में ही, हाँ एक्वा में ज़्यादातर। और उसके बाद जो ना एक्वा फिर आगे उसको लेके जाएंगे, फिर वो क्वालिटी बर्ड्स के ऊपर काम करेंगे, तो फिर वो देखा जाएगा क्या होगा, क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ये कि क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए आपको फिशर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लाजमी, और फिशर आपके पास क्वालिटी वाला होना चाहिए, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप साइज, ये अब आप मुमताज भाई के दो ना, ये साइज ऐसी, मैं देखो कराची की ही बात कर रहा हूँ, मुमताज भाई के नाम दे रहा हूँ क्योंकि उनके पास है कराची में, और ऐसे और भी लोगों के पास है, मुझे नाम याद नहीं है, बहुत से लोग हैं देखे तो मैंने है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का फिशर जो देखा है मैंने, सबसे अच्छी क्वालिटी का कराची के अंदर, वो मुमताज भाई। अब मैं लाहौर के ब्रीडर्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वहाँ गया नहीं, मैंने वहाँ जाके विजिट नहीं किया ना देखा है, उनके वीडियोस में देखना अलग चीज़, मतलब जहाँ तक आपने देखे हैं तो वो लाइव देखने की वो बात कर रहा हूँ मैं, और उनका फिशरीज भी देखा है तो वो भी यूरोप ब्लड लाइन की है, और ऐसे ही देखा है तो उनके पास जाए क्या नाम आरिफ भाई के पास, उनके पास भी ऐसी चीज़ क्वालिटी बर्ड, मतलब पहले फैलो की क्या रेट है आज, पार ब्लू ऑफलाइन पेलफेलो कितने का है एक आइडिया? पार ब्लू ऑफलाइन पेलफेलो, पार ब्लू ऑफलाइन पेलफेलो 1,00,000 रुपए तक का होगा, 1,00,000 रुपए, हाँ ये समझ लो, मतलब एक्चुअल इसकी अगर मेल है तो, हाँ इतने का अराउंड, मेल फीमेल कम की हो लेकिन अभी रेट कम हुआ हुआ है, ये मतलब दे रहे हैं बस लोग रेट, तो मैं वही कहूँगा वीडियो में कभी रेट नहीं करें, लेकिन बस मजबूरी में दे रहे हैं लोग क्योंकि डरे हुए, सही है दे रहे हैं बस वो, अब वो है तो इतने का। अब आप जाओ आरिफ भाई के पास जाके देखो, और ऐसे आप मुमताज भाई के पास जाके देखो, या डार्क फेदर में ऐसे आउट क्लास दोनों के पास है, आरिफ भाई के पास तो डायल्यूट की वर्किंग भी हुई है, डायल्यूट ऑफलाइन पेलफेलो की, ठीक है उनके पास विजुअल भी निकला हुआ है डायल्यूट ऑफलाइन पेलफेलो, और मुमताज भाई के साथ मैंने किया ना वो पैलेट के ऊपर, उन्होंने मेरे वर्किंग देखी, वो ज़्यादातर वो मिस्टी बर्ड के साथ लगाते हैं, मिस्टी बर्ड लगाते हैं तो वो डार्क फेदर में आ जाए, क्योंकि वो ये होती है पेयरिंग की नॉलेज कि कौन सा बर्ड्स किसके साथ लगाना है और रिजल्ट क्या आना है,
इनको ये चीज़ पता होती है, इनको ये चीज़, उनको उन्होंने इतना अपने आप को आगे बढ़ा लिया है मतलब लव बर्ड में कि इनको ये चीज़ पता है कि ये मैं बर्ड लगाऊंगा इसका। वीडियो बहुत बड़ी हो गई, 18 मिनट की हो गई। सो गाइज, कराची में घर बैठे दाना मंगवाइए। ऑर्डर करने का तरीका ये, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जवाब दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।